कल बिहार में कार्यक्रम 20 को निभाना है। अच्छा लखनऊ से सीधे हैं। असल में कल डीसी की बैठक थी हमारे भी, तो वहाँ के डीसी के खिलाफ जांच हो रही है जी, तो उसी जांच रिपोर्ट आई थी, तो उसी इसको में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, हम उसके उपाध्यक्ष और विभाग के और सभी लोग रहते हैं। बैठक हुई तो वहाँ 7:15 खाली हुई। जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाया और सरकार बनाने के बाद भी 370 धारा पर कोई कार्रवाई नहीं, तो ये क्या दिख रहा है? और आज आप उठा के देखिए जीएसटी आई, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? आज पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लागू हो जाए तो 50% उसका दाम कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी और देश में चीन को लाइसेंस दे रखा है, उपभोक्ता बाजार पे पूरे देश में चीन का माल बिक रहा है। सिर्फ चीन का लाइसेंस ये लोग निरस्त कर दें तो करोड़ों नौजवानों को भारत में रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार दे देंगे नेताजी लोग, सत्ता चलाने वाले लोग, तो फिर ये नौजवान झंडा उनका कैसे डूबेगा? तो सबसे बड़ी बात है वो अपना झंडा डुबाना, अपना जिंदाबाद उनका बोलने के लिए वो इसी तरह ये अशिक्षित रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो ये हमारा झंडा डंडा ढोते रहेंगे, दारू मुर्गा वोट देते रहेंगे, यही नेताओं की साजिश। तो प्रधानमंत्री फेल रहे हैं 5 साल 5.5 साल के कार्यकाल में। देखिए प्रधानमंत्री जी जो वो अपना कर रहे हैं, योजना तो बनाते हैं लेकिन वो योजना कागजों में सिमट जाती है, धरातल पे क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। योजना की कमी नहीं है, चाहे वो किसी की सरकार, योजना तो बनाते हैं लेकिन वो योजना धरातल पे क्रियान्वयन जब तक नहीं होगा तब तक जनता को लाभ नहीं मिल सकता है। कुछ चूंकि कई जगह उन्होंने कहा ऐसा लगता है आपको वो तो इस पद अगर की काबिल है? उस खेल में अगर आप भी रहेंगे तो आपको बनाया जाएगा तो आप नहीं बनेंगे। हर नेता प्रयास करता है, जो राजनीति करता है कि उस दौड़ में अगर हैं तो उनकी इच्छा है तो बिल्कुल लड़ाई लड़ना चाहिए। बेरोजगारी का ग्राफ जो देखा गया है बीजेपी सरकार में 4.5 साल का वक्त हो गया, बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार दे नहीं पाए जितना ये वादा किए थे बीजेपी के। देखिए भारतीय जनता पार्टी तीन ही इशू 1980 से मजबूत कह रही है, एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, दूसरा है अयोध्या में मंदिर, तीसरा है धारा 370 जो चर्चा में रहती है, और 3 बार दिल्ली में भी सरकार, 3 बार यूपी में भी सरकार हो गई, और तीन ही इशू हमारे हिसाब से है। हमारे हिसाब से कभी भारत कई धर्मों का देश है, तमाम मजहब के लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र तो हो नहीं सकता, तो एक तो इससे फेल है। अयोध्या मंदिर जब चुनाव आता है तब अयोध्या मंदिर गरमाते हैं, चुनाव बीत जाता है तो बुला जाते हैं। जब SC ST एक्ट पे बिल आप ला सकते हो, आप सामान्य वर्ग के